गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप कैसे क्रेयॉन से लिपस्टिक बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसके लिए आपको क्रेयॉन्स कलर चाहिए। ऐसा क्रेयॉन ब्रांड यूज़ करें जो सेफ क्रेयॉन्स बनाता हो। वैसे तो बच्चों के लिए जो भी क्रेयॉन्स बाज़ार में मिलते हैं वो नॉन टॉक्सिक ही होते हैं, पर फिर भी आप चेक कर लें कि क्रेयॉन्स सेफ हो। ऑयल पेस्टल्स या फिर कोई भी और प्रोफेशनल आर्ट सप्लाईज यूज़ ना करें, क्योंकि ये बच्चों को ध्यान में रखकर नहीं बनाई जाती है, इसलिए टॉक्सिक हो सकती है। साथ में ये भी ध्यान रखें कि क्रेयॉन्स की जो स्मेल है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ना हो। सबसे पहले आपको अपने पसंदीदा कलर का क्रेयॉन चूज़ करना है। अब इस क्रेयॉन को आपको 2 या 3 जितना पॉसिबल हो सके उतने टुकड़ों में तोड़ लेना है। इसके बाद क्रेयॉन को डबल बॉयलर मेथड यूज़ करके मेल्ट कर लेना है। अगर आप क्रेयॉन को बिना डबल बॉयलर मेथड के मेल्ट करने की कोशिश करेंगे तो क्रेयॉन जल सकता है। आप चाहें तो क्रेयॉन को माइक्रोवेव में भी मेल्ट कर सकते हैं। क्रेयॉन को मेल्ट करते समय किसी पुराने पेन का इस्तेमाल करें, क्योंकि क्रेयॉन जो है वो पेन से चिपक सकता है, तो उसे साफ़ करने में थोड़ी आपको दिक्कत आ सकती है। अब मेल्ट किए हुए क्रेयॉन को एक बाउल में निकाल लें और इसमें थोड़ा सा कोकोनट ऑयल, जोजोबा ऑयल, आमंड ऑयल या फिर ऑलिव ऑयल, जो भी आपके पास अवेलेबल हो, उसे मेल्टेड क्रेयॉन में मिला दें। इसके बाद इसमें 1 टेबलस्पून मेल्टेड वैक्स ऐड करें और सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें। अगर आप अच्छी स्मेल चाहते हैं तो रोज़ ऑयल, लेवेंडर ऑयल या फिर कोई भी एसेंशियल ऑयल ऐड कर लें और फिर अच्छे से मिक्स करें। अगर आपके पास कोई एसेंशियल ऑयल अवेलेबल ना हो तो आप ये स्टेप स्किप कर सकते हैं। अब आप इस मिक्सचर को किसी कंटेनर में स्टोर कर लें और इसे रेफ्रिजरेटर में रख दें ताकि जो लिपस्टिक है वो हार्ड हो जाए। तो आपकी लिपस्टिक तैयार है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।